सोनीपत के गनौर उपमंडल में फेस्टिवल सीजन शुरू होते ही मिलावट खोर सक्रिय हो जाते हैं। कुट्टू के आटे व साबूदाने में प्रदेश के कई जिलों में मिल रही गड़बड़ी के चलते खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेंद्र के नेतृत्व में टीम ने गनौर में परचून की दुकानों पर छापेमारी की। टीम ने दो दुकानों से पेटा व साबूदाने के सैंपल लिए हैं, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला में भेज दिया गया है। इसके अलावा शहर में एक मिठाई की दुकान पर छापा मारा गया। यहां पर मिठाई पर एक्सपायरी डेट नहीं लिखी थी। दुकानदार को हिदायत देकर छोड़ा गया। अधिकारी वीरेंद्र ने कहा कि अभियान लगातार जारी रहेगा। फेस्टिव के दौरान जो स्पेशल ड्राइव चलाया गया है, बाकी कई जिलों में कुट्टू का आटा और दूसरे तरह के आटे के पकवान बनाने से जो लोग बीमार हुए, उसी के तहत हमने स्पेशल ड्राइव को देखते हुए आज हमारे गन्नौर में सैंपलिंग की और हमने दो सैंपल उठाए हैं। अभी सैंपलिंग जारी है और ये आज हमारे ड्राइव का लास्ट डे है। हमने सब मिठाई वालों को भी हिदायत दी है, अब हम जागरूक करें लोगों को, जैसा पहले था वैसा अब नहीं चलेगा। सख्ती से लागू किया जाएगा नए कानून को। जिन जिन्होंने नहीं लाइसेंस बनाया है उनको चेतावनी देकर प्रथम दृष्टया से छोड़ा जा रहा है, फ्यूचर में उनके चालान भी किए जाएंगे, शो का नोटिस भी दिया जाएगा और हमारे लिए जन स्वास्थ्य सर्वोपरि है। इसी को देखते हुए हम आगे भी दिवाली फेस्टिवल पर भी अपना अभियान जारी रखेंगे। उनके भी खिलाफ़ है, अब सबको गाइडलाइन जारी कर दी गई है। अलग अलग कमोडिटी के लिए अलग अलग दिन निश्चित किए गए हैं। ड्राइव के दौरान इन बातों से भी हम जागरूक कर रहे हैं मिठाई विक्रेताओं को। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।